बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रशीद अंजुम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंजुम व्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज है इतवार का दिन और मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, माशाल्लाह खूबसूरत बादल बने हुए हैं, प्यारा प्यारा सा मौसम है। और काफ़ी दिन जो है ना ज़रा धूप तेज़ हो गई थी, गर्मी थोड़ी सी फील होने लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मौसम बेहतरीन हो गया। तो मैं निकला हूँ बाहर, छुट्टी का दिन है, मैंने सोचा बाहर चलते हैं। ये क्या आ गया, ये नेल्स मेरे क्यों ग्रीन नज़र आ रहे हैं? ये फ़िल्टर लगाया हुआ है, आज स्नैपचैट के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। आज एक दोस्त की वीडियो देखी है तो उसका रिज़ल्ट ज़रा अच्छा था, मैंने कहा यार आज मैं भी बना लेता हूँ। इस देखें कितना ग्रीन माहौल लग रहा है, प्यारा प्यारा। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं और आगे आपको प्यारा प्यारा और भी खूबसूरत सा माहौल दिखाते हैं। तो रहना है आपने वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो नाराज़ हो जाऊँगा। अच्छा व्यूअर्स, पिछले इतवार मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये खजूरों के बाग के अंदर मूलियाँ लगी हुई थी और मूलियों के साथ साथ तो जनाब ये क्या है, ये मूंगरे, मूंगरे के भी फसल इसके अंदर उगी हुई थी। तो उस वक्त मुझे इसके पत्तों से पहचान नहीं हुई, माशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर ये देखें पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं। और कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये उगाई है जनाब, एक तो होता है घरेलू इस्तेमाल के लिए, यानी कि थोड़ी सी उगाना सब्ज़ी, लेकिन ये जो है ना बिज़नेस के लिए उगाई हुई है। माशाल्लाह ये चंद दिनों तक तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फूल ये देखें। किस किस को मूंगरे की सब्ज़ी पसंद है तो कमेंट करके ज़रा बताइएगा, मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगती है, कच्चे खाने का मुझे वैसे ही बड़ा मज़ा आता है ये मूंगरे ना। चलें जी आगे चलते हैं, ये देखें जी व्यूअर्स, माशाल्लाह मेहनत का काम है, ये सुहांजना तोड़ा जा रहा है, काफ़ी ऊंचा दरख्त है। ओ देखें भाई ठहरे हुए उधर, इसके साथ वो क्या कहते हैं इसको, काप सराकी में तो हम कहते हैं, उसके साथ काट रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊंची हैं टहनियाँ, तो वहाँ से ये तोड़ तोड़ के काट काट के नीचे फेंक रहे हैं, तो ये नीचे आ रहा है। ये देखें यहाँ से फिर ये लकड़ियाँ जो है ना इधर इकट्ठी कर रहे हैं और इधर इनको तोड़ भी रहे हैं साथ साथ। ये देखें, ये दिखाते हैं माशाल्लाह, ये देखें तो दो थैले पैक भी हो गए। एवल मंडी तो इतना सुबह जानी ना, अच्छा बढ़ाते बाद सही। ये देखें ये छोटे छोटे जो दाने हैं ना ये टहनियों से तोड़ लेंगे फिर इनको जो है ना। क्या रेट क्या चल रहा है हैं, अल्लाह जान दे, क्यों बेचेंगे कहने में खड़े गए? अच्छा पहली दफ़ा आज पहला झाड़ है, सही सही ठीक ठीक। सर्दियाँ थोड़ियाँ बयान, इधर भेड़ बकरियाँ चल रही हैं माशाल्लाह, प्यारी प्यारी खूबसूरत, मौसम वैसे भी प्यारा बना हुआ है तो जानवरों के लिए भी खैर अच्छा है, गर्मी नहीं है, वो सारा दिन आराम से चर सकते हैं। अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये बहुत सारी भेड़ें हैं, कुछ बकरियाँ हैं और इनके बच्चे भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी सारी हैं, वैसे अभी इनको वापस लेके जा रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे बछड़े भी, बच्चे भी हैं इनके अच्छा एक बोले तो सारे शुरू हो जाते हैं। पापा मैं नहीं खाता। ये देखें दूध पी रहे थे अपनी माँ का, फिर उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ से गाजरें पीछे वहाँ से फसल से गाजरें ली हैं कोई तीन चार, ठीक है, और इधर से अभी धोई हैं। और आप भी कहते होंगे क्या बंदा है यार, डेली इसको गाजर बहुत पसंद है, गाजरें बहुत खाता है, तो आजकल भी सीज़न गांव में इसी चीज़ का चल रहा है, तो ज़ाहिर जिस चीज़ का सीज़न चलता है ना तो बंदा वही चीज़ खाता है। अभी गाजर जो है ना इन्जॉय करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी खाया करें गाजरों से, खून बनता है। वैसे सेब जो है ना वैसे भी बहुत महंगे हैं, तो गाजर जो है एक तो है भी सस्ती और गाँव में तो वैसे भी
खैर मुझे तो मैं मुफ्त मिल जाती है, मैं जहाँ पे भी वीडियो बनाने जाता हूँ, अगर कमात की वीडियो बनाने जाऊँ तो गन्ना फ्री मिल जाता है, शलजम की वीडियो बनाने जाऊँ तो वहाँ पे शलजम फ्री मिल जाता है, गाजरों की बनाने जाऊँ, आज वैसे मैंने वहाँ पे बनाई नहीं है गाजरों की वीडियो, क्योंकि वहाँ पे ना फीमेल्स बैठी थी तो वहाँ पे फिर वीडियो बनाना जो है ना कैमरा ऑन करना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए फिर ना नहीं बनाई। चलो अभी मैं थोड़ी सी गाजर खा लूँ, फिर आगे चल के कुछ और आपको दिखाता हूँ।